Hello everyone. So today our topic is transitive verbs and intransitive verbs. आप लोगों ने ये नाम कई बार सुने होंगे, transitive and intransitive verbs. So ये होते क्या हैं? So first we start with the transitive verbs. So आपको transitive verb से क्या याद रखना है कि transitive verb क्या है? It means transfer. यानी कि transfer जो करता है. For example, आपको ये वो जो word है transfer, आपको example से समझ आएगा. Let's see. The kid hit. The kid hit. उसने बच्चे ने उस किड ने क्या हिट करा, ये क्या है? हमारी वर्ब है, ठीक है. और ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. तो बच्चे ने क्या है, किड ने कुछ हिट करा. क्या हिट करा? ही हिट द बॉल. यानी जो वर्ब है किस पे ट्रांसफर हुआ, उसने किस पे किया, बॉल को हिट किया. क्लियर है? तो ये क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है जो वर्ब का एक्शन का है, जो इसका इफ़ेक्ट है. झेलने के लिए क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए. जब क्या है, वर्ब ट्रांसफ़र होता है टू दी ऑब्जेक्ट, तब हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ही हैज़ लर्नड हिज लेसन. He क्या है, हमारा वो सब्जेक्ट है. उसने लर्नड किया. क्या लर्नड किया? ही इज लेसन. तो इसका इफेक्ट किससे पड़ रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट पे. कि यानी आंसर क्या रहा है, जब हमें व्हाट का आंसर मिले कि उसने क्या करा है, तो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है. जब हमें ये आंसर मिल जाए तो ये हमारी वर्ब कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके. So on that basis we can say a transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. In transitive verb वो verbs होती है जिसको क्या चाहिए, एक object चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जो action जो subject ने करा उसको receive कर सके. Okay. So let's take one more example. My father gave a gift. Okay, let's simple it. My father gave a gift. So my father क्या है, यहाँ पे subject है. Gave क्या है, हमारा verb है. अब verb क्या है, gave. My father ने क्या दिया, what he gave. He gave a gift. तो verb का क्या है, effect देने के लिए एक object है, ठीक है, जो इसका action receive कर रहा है. तो ये हमारी जो verb है, कौन सी verb है, ये हमारी verb है ट्रांजिटिव वर्ब. ओके. वन मोर एग्जाम्पल. आई गेव माई सिस्टर अ मोबाइल फोन. चलिए अब आप इसमें एक बार मेंशन करिए कि क्या वर्ब है, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है. ओके, आई टॉल्ड यू. आई क्या है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है. गेव क्या है, हमारा वर्ब है. क्या दिया, मैंने क्या दिया, और आ मोबाइल फ़ोन, मैंने क्या दिया, एक मोबाइल फ़ोन दिया. तो ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे फिर माई सिस्टर क्या है. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में दो ऑब्जेक्ट होते हैं. एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें आंसर देता है वर्ड का, जो डायरेक्ट क्या है, वर्ब का एक्शन झेलता है. कि आई गेव, मैंने दिया, क्या दिया, व्हाट आई गेव, एक मोबाइल फोन. ये मेरा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किसे दिया, टू होम, जो टू होम का आंसर दे, कि मैंने किसे दिया, माई सिस्टर, ये क्या है, मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. सो ये है सिंपल ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें दो टर्म और आती हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इनट्रांजिटिव वर्ब. सो इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच डज नॉट पास ऑन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. इन सिंपल वी कैन से इनट्रांजिटिव वर्ब्स डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट. कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स में देखा. फॉर एग्जाम्पल, दे लाफ, वो हंसे.
क्या हंसे, किस पर हंसे, वी डोंट हैव दैट आंसर. यहाँ पे क्या है, व्हाट और टू हूम का आंसर नहीं है. तो जो लाफ है यहाँ पे क्या है हमारी, इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हो रही है. बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़े, भाई कहाँ उड़े, किस पे उड़े नहीं पता, तो ये भी हमारा क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है. अगर द बर्ड्स फ्लाई ओवर द टेबल, ओवर द ट्री, ओवर द ट्री होता तो ये क्या होता हमारे पास, ऑब्जेक्ट होता, तो ये हमारा बन जाता ट्रांसिटिव वर्ब. बट क्या है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब. ओके, थैंक यू.